सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म गोल्ड। फिल्म की शुरुआत में हम एक ट्रेन देखते हैं जो कि रेगिस्तानी इलाके से जा रही है। ट्रेन के अंदर वर्जिल नाम का एक आदमी हमें दिखाया जाता है जो अपना खाना खा रहा है। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वर्जिल ट्रेन से उतर जाता है और नजदीक की एक शॉप में जाता है। वो शॉप के मालिक से बाथरूम के बारे में पूछता है। शॉप ऑनर उसे इशारे से बताता है। वो बाथरूम की ओर जाता है जो कि बेहद गंदा है। जब वो बाथरूम में होता है तब बाहर से उसे कोई पूछता है कि क्या वो कंपाउंड में जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। वर्जिल हाँ कहता है और वो आदमी चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्जिल एक पिकअप ट्रक में बैठा है जिसे कीथ ड्राइव कर रहा है और वो उसे कंपाउंड तक ले जा रहा है। ट्रक में काफी गर्मी है इसलिए वर्जिल एसी ऑन करता है, लेकिन कीथ कहता है कि एसी ऑन करने से इंजन पर दबाव पड़ता है। थोड़ा आगे चलने के बाद ट्रक का टायर फट जाता है जिसे बदलने के लिए वे लोग रुकते हैं। उसी दौरान वे देखते हैं कि दो जंगली कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसे देखने के बाद कीथ एक कुत्ते को भगा देता है जबकि जो दूसरा कुत्ता जो घायल है उसे वो मार देता है ताकि उसे कोई जिंदा ना खाए। टायर बदलने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। शाम होने के बाद वे फ्यूल रिफिलिंग के लिए रुकते हैं। रात भी होने को है इसलिए वे आराम करने का फैसला करते हैं। कीथ वर्जिल से पूछता है कि तुम किस लिए कंपाउंड जा रहे हो। वर्जिल कहता है कि वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और उसे यकीन है कि वो उसे कंपाउंड में मिलेगी। कीथ जो कि रेगुलर कंपाउंड एरिया में जाता है वो वर्जिल को समझाता है कि कंपाउंड अच्छी जगह नहीं है और उसे सिर्फ वहाँ पर मजदूरी ही करनी पड़ेगी। वर्जिल कहता है कि वो कड़ी मेहनत करने से नहीं डरता। अगली सुबह हम देखते हैं कि वर्जिल ट्रक ड्राइव कर रहा है, वहीं कीथ आराम कर रहा है। कुछ देर चलने के बाद वर्जिल को बेहद गर्मी लगती है और वो एसी ऑन करता है जिसके कारण कुछ ही देर में ट्रक का इंजन काम करना बंद कर देता है। कीथ जाग जाता है और वर्जिल पर चिल्लाता है। वर्जिल कीथ से माफ़ी मांगता है। अब वो पेशाब करने जाता है और आते वक्त उसे पत्थर के कुछ टुकड़े दिखते हैं जिसमें उसे कुछ अजीब लगता है। वर्जिल एक पत्थर के टुकड़े पर से धूल हटाता है और उसे वो पत्थर सोने का लगता है जिसे देखकर वर्जिल चौंक जाता है। वो तुरंत कीथ को बुलाता है और उस पत्थर को देखने के लिए कहता है। कीथ वहां आकर अपना लाइटर निकालता है और कहता है कि अगर ये जलकर काला हो जाता है तो ये सोना नहीं है, लेकिन जब वो पत्थर के एक हिस्से को जलाता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता और कीथ कहता है कि ये 100% गोल्ड है। अब दोनों फावड़ा लेकर उस जगह पर खुदाई करके सोने का पत्थर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोने का वो टुकड़ा बहुत बड़ा और जमीन के काफी अंदर तक धंसा हुआ है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वे उसे एक इंच भी हटा नहीं पाए, जिसके बाद वे ट्रक से रस्सी बांधकर गोल्ड को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी वे नाकामयाब रहते हैं। रस्सी टूट जाती है। अब शाम होने को है इसलिए कीथ जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। वो वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में काफ़ी जंगली कुत्ते हैं जो सिर्फ आग से डरते हैं। ये सुनकर वर्जिल भी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। वे लकड़ियाँ जलाकर वहाँ बैठते हैं। दोनों अपनी खुशनसीबी पर बात करते हैं। कीथ ये सोचकर काफ़ी खुश है कि कैसे उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो खुशी के मारे नाचने लगता है। कुछ वक्त बाद कीथ बताता है कि अगर वे सोने को बाहर नहीं निकाल पाए तो दोनों में से एक को शहर जाके एक्सेवेटर लाना होगा जिससे वे सोने को बाहर निकाल सके। वो बताता है कि उसके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। कीथ सुझाव देता है कि वर्जिल को शहर में जाना चाहिए क्योंकि उसे रेगिस्तान का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वर्जिल कीथ को कहता है कि तुम शहर में जाओगे और वो गोल्ड की देखभाल करेगा क्योंकि उसे शहर में कोई भी नहीं जानता। कुछ देर बाद फिर एक बार कीथ वर्जिल से कहता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है। वर्जिल कहता है कि वो एक बहादुर आदमी है और कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकता है। अगली सुबह कीथ शहर में जाने की तैयारी कर रहा है। वो वर्जिल को खाने के डिब्बे, थोड़ा पानी, टेंट का एक बड़ा सा कपड़ा और एक छोटा सा चाकू देता है। साथ ही उसे सैटेलाइट फोन भी देता है जिससे वो कीथ से बात कर सके। कीथ कहता है कि उसे एक्सकेवेटर के साथ वापस आने में करीब 5 दिन लग सकते हैं। वो वर्जिल को सोने की देखभाल करने के लिए कहकर वहाँ से शहर जाता है। अब वर्जिल टेंट का कपड़ा लेकर नज़दीक में एक सूखे पेड़ से बांध देता है। वो अपना सैटेलाइट फोन चेक करता है और रात के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपनी जगह वापस आता है। तब उसे वहाँ पर एक बिच्छू दिखता है। वो एक लकड़ी से बिच्छू को दूर भगाता है। रात हो जाती है। वर्जिल लकड़ियाँ चलाता है और अपना खाना गर्म करके खाता है। कुछ वक्त बाद उसे जंगली कुत्तों के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाता है और अपना चाकू हाथ में लेकर सो जाता है। अगली सुबह वर्जिल उठता है। वो बेहद थका हुआ है। वो शौच के लिए जाता है लेकिन पानी का इस्तेमाल करने से डरता है।
तभी सैटेलाइट फोन की रिंग बजती है। वर्जिल दौड़ता हुआ फोन रिसीव करने आता है, लेकिन तब तक रिंग बंद हो जाती है। निराश वर्जिल अब आसपास के एरिया में घूमता है। कुछ दूरी पर उसे एक क्रैश प्लेन मिलता है। वो इस प्लेन का शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन वहां से गोल्ड साइट नहीं दिख रही, इसलिए वो वहां से चला जाता है और प्लेन के कुछ टुकड़े अपने साथ ले जाता है ताकि उसका शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकें। वर्जिल कुछ देर के लिए सो जाता है। जब वो जागता है तब उसे पता चलता है कि तेज धूप के कारण उसका चेहरा जल रहा है। अब वो गोल्ड के पास जाकर बैठता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो सोने की चट्टान से एक टुकड़ा तोड़ कर देखें। वो एक बड़े पत्थर से गोल्ड का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब होता है। तभी सैटेलाइट फोन पर कीथ का कॉल आता है। कीथ वर्जिल को बताता है कि उसे आने में और वक्त लग सकता है क्योंकि उसके ट्रक का इंजन बार बार गर्म हो रहा है। वर्जिल कीथ को बताता है कि उसे सोने का टुकड़ा तोड़ने में कामयाबी मिली है। कीथ कहता है कि वो हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करता है। रात के वक्त वर्जिल गोल्ड के पास बैठा है, लकड़ियां जला चुका है। तभी कुछ जंगली कुत्ते उसके नजदीक आते हैं। वो जलती लकड़ी से कुत्तों को भगाता है। अगली सुबह वर्जिल कैन में से पानी निकाल कर पीता है। तभी वो देखता है कि एक सांप उसकी ओर आ रहा है। वो सांप को मारने की कोशिश करता है, सांप बच जाता है। इस चक्कर में वर्जिल अपनी पानी की बोतल गिरा देता है। कुछ देर बाद वो फिर से प्लेन के पास आता है और अपने लिए कुछ सामान लेकर आता है। तभी वो देखता है कि दूर से कोई उसकी ओर आ रहा है। वर्जिल अपने आप को प्लेन में छिपा लेता है। कुछ देर बाद वो अनजान शख्स प्लेन के पास आकर वर्जिल को बाहर आने के लिए कहता है। वो अनजान शख्स एक लड़की है जो उसे कुछ खाने पीने की पेशकश करती है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी लेने से इनकार करता है। वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वर्जिल उसके सवालों का जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वर्जिल उस लड़की को कहता है कि तुम इस प्लेन में रह सकती हो, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अब वर्जिल अपनी जगह वापस आ रहा है। वो लड़की उसके पीछे जाती है और बार बार उससे पूछती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। लड़की के सवालों से वर्जिल गुस्सा हो जाता है और उसके मामले में दखल न करने के लिए कहता है। तभी वो लड़की वर्जिल के रहने की जगह देखती है। वो तुरंत उस शेल्टर को तोड़ती है और वर्जिल को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देखकर वर्जिल गुस्से में फावड़ा उठाकर उस लड़की को मारता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो उस लड़की के पास से सभी ज़रूरी चीज़ें ले लेता है और उसे नजदीक में दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद जंगली कुत्ते उस डेड बॉडी को खोद कर निकालते हैं, उसे नोचने लगते हैं। वर्जिल ये देखकर कुत्तों को वहां से भगाता है और डेड बॉडी को थोड़ा दूर ले जाके जला देता है। उस वक्त वर्जिल की आंखों में आंसू होते हैं। अगली सुबह सैटेलाइट फोन की रिंग सुनकर वर्जिल की आंखें खुलती हैं। फोन पर कीथ है जो उसे बताता है कि उसे एक्सकेवेटर मिल चुका है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने में कुछ वक्त और लगेगा क्योंकि एक्सकेवेटर का वजन काफी ज्यादा है और इसलिए ट्रक की स्पीड कम हो रही है। कीथ वर्जिल को मोटिवेट करता है। कुछ देर बाद वर्जिल को वहां से एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा सोना पाने की लालच ने उसे वहां से जाने नहीं दिया। अगर वो चाहता तो वहां से सोने का वो टुकड़ा लेके जा सकता था। वर्जिल रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है। तब वो देखता है कि रेत का तूफान उसकी ओर पड़ रहा है। वो अपने शेल्टर की ओर भागता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका शेल्टर तूफान में उड़ जाता है। वर्जिल अपनी जान बचाने के लिए भागता है, तभी एक पेड़ उसके ऊपर गिरता है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है। वर्जिल अपने आप को रेत के नीचे देखता है और पेड़ की लकड़ी का एक टुकड़ा उसके पेट में धंस गया है। वो उस टुकड़े को बाहर निकालने की बजाय गोल्ड साइट की ओर जाता है। कुछ रेत हटाने के बाद उसे सोना मिल जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्जिल को होश आ चुका है। वो अपने पेट में से लकड़ी का टुकड़ा निकालता है, उसका काफ़ी खून बह जाता है। फिर वो आग जला के कैन का एक टुकड़ा गर्म कर अपने जख्म पर लगाता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। उसे बेहद दर्द होता है, उसके शरीर पर कहीं घाव है। वो अपने घाव पर रेत लगाता है। इस दौरान वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो फिर से होश में आता है तब देखता है कि एक लड़की उसकी ओर क्रॉसबो ताने खड़ी है। उसे देखकर वर्जिल को उस पहली लड़की की याद आती है जिसे उसने मार दिया था। वो लड़की उसे पीने के लिए कुछ पानी देती है और चली जाती है। कुछ देर बाद वर्जिल उस लड़की को खोजने की कोशिश करता है तो उसे वो कहीं नहीं दिखती। अब फिर से फोन की रिंग बजती है। वर्जिल तुरंत कीथ को उस लड़की के बारे में बताता है। कीथ कहता है कि वो जल्द वहां आने की कोशिश करता है। कॉल खत्म होते ही वो लड़की फिर से वहां पर आती है और वर्जिल को कुछ मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वर्जिल सोने को लेकर बेहद लालची हो चुका है। वो कोई भी मदद लेने से इनकार करता है और उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है। वर्जिल इसका कोई जवाब नहीं देता।
कुछ देर बाद वर्जिल की आँख खुलती है तो वो अपने आप को जलती लकड़ियों के बीच पाता है। जंगली कुत्तों ने उसे घेर रखा है। वो तुरंत कीथ को फोन लगाकर पूछता है कि वो कहाँ है। कीथ कहता है कि वो बेहद नज़दीक है और जल्द ही वहाँ पहुँच जाएगा। वर्जिल फोन पर रोने लगता है और कीथ से जल्दी आने के लिए विनती करता है, क्योंकि अब जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कीथ वर्जिल से दूर बैठा हुआ दूरबीन से देख रहा है। वो देखता है कि जंगली कुत्ते वर्जिल पर हमला करके उसे घसीट कर ले जाते हैं। तब भी वर्जिल सोने की ओर देख रहा है। जंगली कुत्ते वर्जिल को मार के खा जाते हैं। अब कीथ एक्सेवेटर के साथ वहाँ पर आता है। वो वर्जिल की डेड बॉडी देखता है और अपने ट्रक में से कुछ लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसके सीने में एक तीर आके लगता है। कीथ मरते हुए ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उसे ये तीर किसने मारा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म गोल्ड की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।